भाप होता है ना उसमें पकाना है आपको। देखिए पकने के बाद में देखिए इस तरीके का आपको उठेगा, आप देख सकते क्या हमारा में कितना बढ़िया भी होगी, खाने में बहुत ही मजेदार टेस्ट होगा। ये लीजिए आपका चिकन हॉट पॉट सूप। आप देख सकते हैं इसी तरीके से सर्व होता है ये चिकन हॉट पॉट सूप। फ्रेंड्स नमस्कार। तो भाई ठंडी का मौसम में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चिकन हॉट पॉट सूप। तो चलिए बिना देरी किए हुए बनाते हैं चिकन हॉट पॉट सूप। ये बहुत ही मजेदार सूप है, सावार स्पाइसी थोड़ी सी आपका मिठासपन, तो कुल मिला के बहुत ही मजेदार सूप है। तो मैंने चिकन स्टॉक पहले बना के रखे हुए, देखिए चिकन स्टॉक बनाने के लिए आपको मेरा चिकन हॉट पॉट सूप का वीडियो देखना पड़ेगा, वहां पर मैंने बताया है कैसे स्टॉक बनाते हैं। देखिए चिकन स्टॉक भी बहुत तरीके से बनाते हैं, एक एक तरीका है जो आपको मैंने बताया है। हड्डी वगैरह मतलब चिकन का बोन्स वगैरह डाल के, कुछ वेजिटेबल्स वगैरह डाल के आप चिकन स्टॉक बना सकते हैं। वहां पर सेलेरी सूट भी डाल सकते हैं आप, कई जगह बे लीव्स भी डालते हैं, अगर आपको फ्लेवर लाना है तो बे लीव्स भी डालकर आप स्टॉक बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम चिकन हॉट पॉट सूप बिना स्किप करते हुए। देखिएगा अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम अंडा तोड़ेंगे, अंडा तोड़ेंगे, फिर अंडे का व्हाइट खून निकालेंगे, फिर बनाएंगे, बिल्कुल अलग सूप है, आप देखना एकदम मजेदार सूप होगा। चलिए सबसे पहले हम अंडे का फोम निकालेंगे, एक अंडा आपको तोड़ना है, एक अंडे का। देखिए अंडा का जो येलो पार्ट है वो नहीं चाहिए हमें, व्हाइट व्हाइट पार्ट चाहिए, तो येलो पार्ट आप निकाल के रख दीजिए। देखिए हमने अंडे का येलो पार्ट निकाल दिया, अब क्या करना है आपको अच्छा से इसको फॉर्म निकालना है, व्हाइट अच्छा से फिरना है इसको। देखिए इसमें थोड़ी टाइम लगता है, आप ऐसे फिरते जाएंगे तो क्या है व्हाइट फॉर्म निकलेगा आपका। अब देखिए ये फोम है रेडी आपका, इस तरीके का हो जाएगा, देखिए इस तरीके का तो रेडी है। देखिए देखिए हमारा फ्राई पैन गर्म हो चुका है, देखिए थोड़ी सी आपको ऑयल चाहिए इस सूप को बनाने के लिए। देखिए हाफ टी स्पून आपको चाहिए जिंजर चॉप, हाफ टी स्पून चाहिए आपको ग्रीन चिली चॉप, आपको एक टेबल स्पून टमाटर चॉप चाहिए, देखिए सीडलेस। देखिए एक टेबल स्पून कैरेट डाल दीजिएगा, चॉप कैरेट इस तरीके से काट कर। देखिए थोड़ा बहुत स्वादे हो जाने के बाद आपको क्या डालना है, चिकन डालना है, चॉप चिकन। देखिए देखिए चिकन अच्छी तरह से पका दीजिएगा, देखो चिकन भी पक गया है, वेजिटेबल भी पक गया, हमने जिंजर भी डाल दिया, अब डालना है आपको चिकन स्टॉक। देखिए आधा टीस्पून ना चिली सॉस डाल दीजिएगा, देखिए स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिएगा, पेपर। देखिए एक स्पून लेमन जूस डालना है आपको, देखिए आप कैमरा में देख सकते हैं इतना सारा काफी है एक पोर्शन के लिए। देखिए एक टीस्पून सोया सॉस डालना है आपको, देखिए एक टीस्पून आपको टमाटर पेस्ट डालना है। देखिए इस सूप में टमाटर पेस्ट जरूर डाल दीजिएगा, एक टीस्पून टमाटर पेस्ट डालने से क्या होगा, सूप में थोड़ी सी मिठासपन भी लाएगा, खटासपन भी लाएगा, जो हमने चिली पेस्ट डाला है मतलब चिली सॉस डाला है, चिली सॉस से स्पाइसीपन लाएगा, और आपका जो हमने लेमन जूस डाला है उससे थोड़ा सावरपन लाएगा। कुल मिला के बात है कि बहुत ही नंबर वन टेस्ट होगा। देखिए हॉटपॉट सूप भी बहुत तरी तरीके से बनता है, ये एक टाइप का जो मैंने आपको बना के दिखाया है, ये अलग रेसिपी है, आप ये मत बोलेगा सेम आपने ये हॉटपॉट सूप कौन सा बना दिया, ये बहुत ही मजेदार टेस्ट है, इस तरीके से आप ट्राई करके देखिएगा एक बार। तो चलिए ऑलमोस्ट तैयार है, अभी जाइएगा, तैयार होने वाला है, अभी जाइएगा नहीं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए अब बारी आता है कॉर्न स्टार्च का, देखिए इसको सूप को गाढ़ा करने के लिए आप कॉर्न स्टार्च अपने हिसाब से डाल। देखिए हमने कॉर्नफ्लोर डाल दिए, गाढ़े भी हो गया, इसी टाइप से आप गाढ़ा कर देना। अब क्या आता है, आप जो हमने फोम बनाया था उस फोम को यहाँ पर ऐसे डालना है। देखिए फोम डालने के बाद में आपको हिलाना नहीं है, थोड़ी देर वहीं पर रखना है, इसे इसको पकाना है धीमी आँच में। देखने ये एक अंडा में इतना सारा फूल गया है, अब जो है ऊपर में आपको थोड़ी थोड़ी सूप का जो सूप जो है ऊपर ऊपर से डालना है ऐसा करके। अब ये ऐसे ही सर्व भी ऐसे ही होगा ये फॉर्म के साथ में। अब आपको यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग ऑनियन डालना है, को हिलाना नहीं है, अच्छी तरीके से उसको सूप के साथ जो भाप होता है ना उसमें पकाना है आपको। देखिए पकने के बाद में देखिए इस तरीके का आपको उठेगा, आप देख सकते क्या हमारा में
कितना बढ़िया भी होगी, खाने में बहुत ही मजेदार टेस्ट होगा। इसको बोलते हैं चिकन हॉट पॉट सूप। ये फॉर्म के साथ में पूरा ऊपर तक उठा के सर्व होता है। ये बॉल में सर्व नहीं होता है, ये मतलब होटल अगर रेस्टोरेंट पे आप स्पेशलिटी चाइनीज रेस्टोरेंट में मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट में जाएंगे तो ये सूप क्या है, अलग बॉल में पॉट में हॉट पॉट बोलते हैं, पॉट मतलब इतने बड़े होता है, उस बड़े बॉल में सर्व होता है। अगर आप होटल में किसी कस्टमर के लिए बना रहे हैं तो एक पॉट में सर्व करिएगा इसको फॉर्म के साथ में, तो अच्छा भी दिखेगा और बहुत मजेदार भी टेस्ट होगा। लीजिए आपका तैयार है सूप।